कमलनाथ लिखित में झूठ बोलने वाले मुख्यमंत्री हैं। वे साइबेरियन पक्षी की तरह हैं। वे सिर्फ वोट मांगने जनता के बीच जाते हैं, फिर कभी नहीं जाते। ये कहना है मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का। नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस नेता विवेक तन्खा के ट्वीट पर भी पलटवार करते हुए कहा कि जब भी भाजपा गरीबों के लिए कार्य करती है, कांग्रेस के नेताओं का पेट खराब हो जाता है, इनको डिहाइड्रेशन हो जाता है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस नेता विवेक तन्खा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस कभी जनता के लिए काम करती नहीं है, लेकिन अगर भाजपा गरीबों के लिए कार्य करती है तो इनका हाजमा खराब हो जाता है। कभी चुनाव आयोग का बहाना तो कभी ईवीएम मशीन का बहाना बनाया जाता है। ये सिर्फ बहाने बनाते हैं, कभी जनता के बीच नहीं जाते हैं। नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व सीएम कमलनाथ को भी निशाने पर लेते हुए कहा कि कमलनाथ साइबेरियन पक्षी की तरह हैं जो सिर्फ चुनाव में आते हैं। इन्होंने ना तो किसानों का कर्जा माफ किया, ना ही 15 महीने में सरकार में एक भी व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध कराया। 4000 बेरोजगारी भत्ते की बात कही थी पर वो भी नहीं दिया। कमलनाथ सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाले मुख्यमंत्री रहे। झाम सिंह दुर्वे के एनकाउंटर को लेकर उन्होंने कहा, मृत्यु किसी की भी हो दुखद है, इसकी जांच की जाएगी, दोषियों को दंड दिया जाएगा, इस पर राजनीति नहीं होना चाहिए। विवेक तन्खा जी के ट्वीट पे मैंने रिप्लाई दे दिया। वैसे जब भी भारतीय जनता पार्टी गरीब की बात करेगी, गरीब के हित की बात करेगी, गरीब के हित के लिए काम करेगी, तो कांग्रेस को पीड़ा होना स्वाभाविक है, क्योंकि कांग्रेस सिर्फ बात करती है, भारतीय जनता पार्टी काम करती है, और भारतीय जनता पार्टी काम करती है, ये कांग्रेस को हजम नहीं होता, डिहाइड्रेशन हो जाता है, हाजमा खराब हो जाता है, और फिर वो ट्वीट करने लगते हैं, चुनाव आयोग को ट्वीट कर दिया। अरे कांग्रेस अपनी नीति स्पष्ट करे ना। हमने प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने 1 रुपया किलो गेहूँ चावल नमक दिया, कांग्रेस कहे कि गरीब को नहीं मिलना चाहिए, ऐसे बोले हम। अगर हम दूध दे रहे हैं आंगनबाड़ी पर, फल दे रहे हैं, तो वो मना करे कि नहीं देना चाहिए, क्यों नहीं मना करते? कहीं चुनाव आयोग का बहाना, कभी ईवीएम का बहाना, कभी न्यायपालिका का बहाना, इनके पास में इसके अलावा कुछ है ही नहीं। फील्ड में जाना नहीं है और कुछ करना नहीं है, कुरान का पाठ कर रहे हैं। एक व्यक्ति को रोजगार नहीं दिया तो बेरोजगारी दिवस तो मनाएंगे ही, और क्या मनाएंगे? 15 महीने में एक रोजगार नहीं दिया, ऐसी पार्टी आपने देखी नहीं होगी। एक वैकेंसी नहीं निकाली, ऐसी सरकार नहीं देखी होगी। एक व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, ऐसा मुख्यमंत्री नहीं देखा होगा। और लिखित में 4000 रुपया भत्ता नहीं दिया, ऐसा मुख्यमंत्री नहीं देखा होगा। और लिखित में झूठ बोला, ऐसी पार्टी नहीं देखी होगी। ये ऐसे ही तो कहते थे कि 5 साल चलेगी, 5 साल कही थी कि नहीं कही थी? अच्छा बताओ, कही थी फिर चली? ये ऐसे ही झूठ बोल के, नहीं कहा था ना 10 दिन में 2 लाख माफ होंगे, कहा था कि नहीं कहा था? ऐसे ही कहा था, फिर हुए? इनने ही कहा था ना कि 4000 रुपये महीने घर बैठे बेरोजगारी भत्ता देंगे, दिए? झूठ बोलने के आदि हैं, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, और फिर तारीख पर तारीख। जवाब तो देना चाहिए कि जब मुख्यमंत्री थे तब क्यों नहीं गए? ये कमलनाथ जी हैं, ये सिर्फ वोट मांगने ही जाते हैं, वोट मांगने के बाद चले जाते हैं। हमारे ग्वालियर में चैतुआ इसी तरह से आते हैं, चैत काटते हैं, और चैत काटने के बाद जो जाते हैं तो अगले चैत पे आते हैं। साइबेरियन पक्षियों की तरह हैं ये, सर्दियों में आते हैं, सर्दी खत्म होते ही चले जाते हैं, फिर जब आते हैं तो सर्दी में ही आते हैं। ये वो लोग हैं जो सिर्फ चुनाव पे आते हैं, चुनाव खत्म होने के बाद जो जाते हैं तो फिर चुनाव पर ही आते हैं। बीच में ग्वालियर का क्या हो रहा है? ग्वालियर परेशान था 15 महीने, हैरान था 15 महीने, इनने कभी चिंता नहीं की। अब आ गए फिर देदाता के नाम तुझको अल्लाह रखे। देखिए, दो घटना जिस तरह की है उसमें नक्सली और पुलिस, इन दोनों के बीच की मुठभेड़ का मामला है। मौत कोई भी हो दुखद होती है, कैसे भी हो दुखद होती है, पीड़ादायक होती है। जांच का विषय वो है, क्योंकि वो नक्सली की गोली से मरा या पुलिस की से, ये तो अज्ञात है, लेकिन ये सच है कि मरा है। और इसलिए उसकी उस समय मस्टियल जांच की बात की, और अब उसके लिए सीआईडी जांच के भी आदेश कर दिए गए, जो विधायकों ने हमारे ने मांग की थी उसके आधार पर। और जांच में जो भी विषय आएगा, जो भी दोषी पाया जाएगा, वो दंडित होगा, कोई नहीं बचेगा। कम से कम इस पर राजनीति न हो, ये प्रार्थना। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals,
Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक देख रहे हैं दखल न्यूज़।